बनी टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म टाइगर 3। क्या टाइगर 3 शाहरुख की पठान की सीक्वल मूवी साबित होगी? कौन है इस बार का विलन? एक था टाइगर में टाइगर जिंदा है की अपार सफलता के बाद फिल्म का तीसरा सीक्वल जल्द ही हमें दर्शकों को देखने का मौका मिलेगा। मनीष शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म टाइगर 3 अब शूट हो रही है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के अंडर प्रोड्यूस करेंगे। टाइगर 3 सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की तीनों या दोनों फिल्मों का पार्ट 3 बनकर तैयार होगी। टाइगर 3 एक था टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी सफल फिल्म है। फिल्म अगले साल रिलीज होने जा रही है और उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन सलमान के प्रशंसक जो फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित है। इसके अलावा फिल्म में विलन की भूमिका के लिए कास्टिंग पहले से ही बहुत प्रचार और चर्चा पैदा कर चुकी है। इसके बाद जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन बनेगा इस फिल्म का विलन, हीरो या हीरोइन। बता दें इस फिल्म में विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं मशहूर एक्टर इमरान हाशमी। हाल ही में आए आगे उठी मोहब्बत, उनके नए गाने में उनको बहुत सारा प्यार मिला है। अब वे फिल्म में एक ग्रे शेड में नजर आएंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ इस साल फिल्म में मुख्य सितारों के रूप में नजर आएंगे। इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच यह दूसरे के साथ उनकी पहली कोलैबोरेशन मूवी होने वाली है। फिल्म टाइगर 3 यशराज बानर और इमरान हाशमी के लिए साथ में एक पहला प्रोजेक्ट हो सकती है। फिलहाल ये फिल्म जो है पोलैंड शहर में शूट हो सकती है। अभिनेता सलमान खान जो है अपनी फिल्मों के चलते पोलैंड जा चुके हैं। एक था टाइगर, टाइगर फ्रेंचाइजी की बहुत सारी फिल्में 2012 में रिलीज हुई थी। ये तो भारतीय जासूसी की कहानी थी जिसका नाम टाइगर है, जो कि पाकिस्तान जासूसी से प्यार कर बैठता है। इसके बाद टाइगर जिंदा है का सीक्वल आता है जो कि 2014 में रिलीज हुआ था। इसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। अब अलिया अब्बास जफर इसके सीक्वल टाइगर जिंदा है का निर्देशन करने वाले हैं। मनीष शर्मा टाइगर 3 तीसरे फिल्म के लिए निर्देशक के जूते में कदम रखने को लिए जारी है। फैंस जो है सलमान और कैटरीना से एक और रोमांचक मनोरंजन का अनुभव लेने के लिए बेसब्र है। फिल्म का रिलीज डेट 29 अप्रैल 2022 में रिलीज होने की संभावना बताई जा रही है, मगर इस डेट को लेकर कोई भी पक्की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। शूटिंग शुरू होने से पहले कैटरीना और सलमान ने फिल्म के लेकर पूजा की। पूजा में निर्देशक मनीष शर्मा भी शामिल थे। मुख्य अभिनेताओं के YRF में पूर्ण रूप से पूजा की भाग लिया गया, जो हर फिल्म के शुरू होने से पहले होती है। मुंबई में 8 मार्च को फिल्म की शूट शुरू हुई। सलमान और शाहरुख खान के पास जो है पठान की शूटिंग के लिए YRF में आए थे। शाहरुख की अपकमिंग फिल्म पठान में सलमान एक विशेष किरदार में दिखाई दिए। YRF भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी जासूसी फ्रेंचाइजी बन रही है और SRK और सलमान एक दूसरे की फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। चूंकि सलमान स्टूडियोज में आ रहे थे, टीम ने उसी दिन पूजा की योजना बनाई और उसी के लिए कैटरीना का भी आमंत्रित कर दिया गया। सूत्रों के हिसाब से फिल्म पठान जिस मोड़ पर खत्म होगी, वहीं से टाइगर 3 एक नया मोड़ लेकर शुरू होगी। सलमान महज एक कैमियो के अंदाज में पठान के अंतिम कुछ क्लिप्स में नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसे में ये मानना है कि टाइगर 3 में क्या होना है। इसकी हल्की सी झलक पठान में बखूबी तरह से दिखाई जाएगी। इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये आपको हमारी आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। पर अभी से सलमान के फैंस में इतना उत्साह है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। इतना ही नहीं, सलमान ने आने वाली कई फिल्मों में व्यस्त होने की खबरें भी बताई हैं। सलमान के पास कभी ईद कभी दिवाली, राधे और रहीम सहित फिल्मों में लाइन है। इस बीच कैटरीना फोन बूथ, सूर्यवंशी और एक सुपर हीरो फिल्म में भी अभिनय कर रही हैं, जिसमें अलिया अब्बास जफर ने अभी से मेहनत शुरू कर दी है। वही अभिनेता इमरान के पास अमिताभ के साथ चेहरे हैं। वह मुंबई सागा जिसने जॉन इब्राहिम में अब सह कलाकार। 2025 और 350 करोड़ के बजट की तय मूवी ने फैंस के दिल में अभी से जगह बना ली है। देखना यह है कि जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर उतरेगी तो क्या होगी इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्या आप भी टाइगर 3 के लिए एक्साइटेड है? क्या आप जानना चाहते हैं एक तक टाइगर और टाइगर जिंदा है के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? कौन देने वाला है टाइगर के तीसरी सीरीज का म्यूजिक? किसने मचाया था टाइगर की ओल्ड सीरीज में म्यूजिक से धमाका? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आपको बता दे की
सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 की शूटिंग 8 मार्च से मुंबई में शुरू हो चुकी है, जहां पहले एकता टाइगर को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने और टाइगर जिंदा है को डायरेक्ट किए थे अली अब्बास जफर ने। तो वहीं इस बार इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा। माना जा रहा है कि टाइगर 3 बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन मूवी के रूप में तैयार हो रही है। मेकर्स ने यह दावा किया है कि यह फिल्म पहले की दोनों फिल्मों से काफी बड़ी और बेहतर होगी। इसमें दर्शकों को वह सब कुछ देखने को मिलेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। बताया जा रहा है कि टाइगर 3 का बजट 350 करोड़ के भी पार हो गया है। जब इसके एक्शन को लेकर डायरेक्टर मनीष शर्मा से बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि हमने इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी है। सलमान और कटरीना दोनों ही बेहतरीन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। अगर बात करें एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है के, तो दोनों ही फिल्मों में विलन की भूमिका किसी भी बड़े एक्टर ने नहीं निभाई थी, लेकिन इस बार मामला एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि टाइगर 3 में जो विलन के रोल में नजर आएंगे वो और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट हैंडसम एंड द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इमरान हाशमी होंगे। जब एक रिपोर्टर ने चलते चलते इमरान से पूछा कि इमरान सर, टाइगर इज ऑन द वे, क्या आप इस मूवी में हैं? तो इमरान तेज से हंस पड़े और बोलने लगे, अभी बातें चल रही है। फिर रिपोर्टर ने कहा कि सर बताइए ना, अगर ऐसा हुआ तो कैसा रहेगा? तो इस बात पर इमरान थोड़ा और हंसे और बोले कि आप जाकर टाइगर से ही पूछिए ना, सलमान आपको बताएंगे। एकता टाइगर की संगीत की तुलना साजिद वाजिद के एक विशेष ट्रैक के साथ सोहेल सेन ने की थी, जबकि टाइगर जिंदा है के गाने विशाल और शेखर द्वारा डिजाइन किए गए थे। प्रीतम पहली बार टाइगर की दुनिया में प्रवेश करता है और एक फिल्म की तीसरी किस्त से भी भयानक संगीत की उम्मीद करता है। प्रीतम ने पिछले दशक में रेडी, बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट जैसे सलमान खान की फिल्मों का संगीत तैयार किया है और यह 5 साल बाद दोनों के लिए एक पूर्ण मिलन होने वाला है। वह एक और सलमान खान की फिल्म के लिए संगीत तैयार कर सकता है। आदिति चोपड़ा के लिए प्रीतम ने धूम, धूम 2, धूम 3 और बदमाश कंपनी जैसे एल्बमों में संगीत पर मंथन किया है। संगीत विशाल वर्तमान में ब्रह्मास्त्र 83 पर एल्बम पर काम कर रहे हैं और लाल सिंह चड्ढा और तड़प पे भी काम कर रहे हैं। तो कैसे लगे आपको ये सारे फैक्ट्स टाइगर 3 के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। क्या न्यू ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएगा देश की 300 करोड़ क्लब की फिल्म का अगला भाग? किस अवतार में नजर आएंगे भाईजान? क्या फिर एक्शन करते दिखाई देंगी कटरीना? कहां कहां शूट किए जाएंगे इसके एक्शन सीक्वेंसेस और क्या होगा इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का बजट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीक्रैट स्टूडियोज में। अगर हम बॉलीवुड की सबसे बड़ी और हिट एक्शन फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो सलमान खान और कटरीना कैफ की टाइगर सीरीज सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, जहां 2012 में रिलीज हुई एकता टाइगर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो वहीं 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब फैंस को बेसब्री से इंतजार है तो इसके पार्ट 3 का, लेकिन अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है कि शानदार सक्सेस के बाद सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फ्रेंचाइजी के मेकर्स इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। फिल्म की शूटिंग अगले हफ्ते मुंबई में शुरू होने वाली है और ये फिल्म अगले साल यानी कि 2022 में थिएटर्स में उतरेगी। दर्शकों को इस फिल्म में वो सब देखने को मिलेगा जो उन्हें टाइगर 1 और 2 में नहीं देखने को मिला।
आइए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ एक्साइटिंग एलिमेंट्स के बारे में। टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट टाइगर 3 एक बार फिर से यशराज बैनर तले बनने जा रही है, जहां एक था टाइगर को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने और टाइगर जिंदा है को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने, तो वहीं इस बार टाइगर 3 को डायरेक्ट करने वाले हैं मनीष शर्मा। इस फिल्म में एक बार फिर हमें टाइगर और जोया यानी कि सलमान और कैटरीना की फेमस जोड़ी एक बार फिर एक ही फ्रेम में नजर आने वाली है। ये सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक साथ सातवीं फिल्म होगी। बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी ने हमें कई शानदार फिल्में दी हैं और हम हर सलमान कैटरीना फैन की तरह टाइगर 3 के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। यशराज फिल्म में स्पाई यूनिवर्स की इस तीसरी फिल्म में हर बार की तरह जहां सलमान खान इंडियन रॉ एजेंट टाइगर के कैरेक्टर में नजर आएंगे, तो वहीं कैटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट जोया का रोल प्ले करती नजर आएंगी। इस फिल्म से जुड़ी जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके विलन की। इस फिल्म के विलन के बारे में अब तक बहुत कुछ कहा गया है और सब यही जानना चाहते हैं कि इस बार विलन का रोल कौन प्ले करने वाला है। तो हम आपको बता देते हैं कि टाइगर 3 के मेन विलन का रोल और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर इमरान हाशमी प्लेइंग करने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इमरान हाशमी की टाइगर 3 से पहले कौन सी आखिरी फिल्म थी? अमिताभ बच्चन के साथ इमरान की कौन सी मूवी आने का इंतजार है? टाइगर मूवी से पहले पार्ट में किसने मुख्य विलन का रोल निभाया था? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म टाइगर 3 के बारे में। फिल्म द डर्टी पिक्चर के बाद से बतौर हीरो एक हिट फिल्म की राह तक रहे अभिनेता इमरान हाशमी के बारे में खबर है कि वह अब विलेन बनने वाले हैं। शनिवार को मुंबई की फिल्म जगत में एक खबर ने सभी दर्शकों का ध्यान बटोरा है, वह रही इमरान हाशमी का यशराज फिल्म्स में आने वाली पिक्चर टाइगर 3 में विलेन बनने का। 41 इयर्स के हो चुके इमरान हाशमी का बतौर हीरो करियर पिछले एक दशक में डोंडावाल ही रहा है। उनके खाते में आखिरी सुपरहिट फिल्म द डर्टी पिक्चर रही है, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वह लगातार औसत कामयाब या फ्लॉप फिल्में ही करते रहे हैं। हालांकि इस बीच हमारी अधूरी कहानी, अजहर और बादशाहों जैसे फिल्मों में उनका अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। इमरान की सोलो हीरो के तौर पर फेस वैल्यू बॉक्स ऑफिस पर लगातार घटती जा रही है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में इमरान हाशमी के विलन का रोल स्वीकार करने की खबर ऐसे समय पर आई है जब उनकी 3-4 फिल्में पूरी होकर रिलीज होने वाली है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म चेहरे का उनके प्रशंसकों को लंबे समय से इंतजार था। उनकी एक मल्टी स्टारर फिल्म मुंबई सागा सीधे OTT पर रिलीज होने जा रही है। इमरान हाशमी विशेष फिल्म्स चलाने वाली बट बंधुओं के बाजे में है और बट परिवार के किसी सदस्य की यशराज फिल्म्स में एंट्री अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है। फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग अगले महीने से मुंबई में शुरू होने वाली है। हिंदी सिनेमा में खलनायकों के नायक बनने की लंबी परंपरा बीती सदी के 7वें और 8वें दशक में रही है, लेकिन सुपरहिट सितारे रहे तमाम नायकों को खलनायक बनने का ट्रेंड हाल ही में भरोसा और बरसों में शुरू हुआ है। इमरान हाशमी का नाम भी अब इस लिस्ट में जुड़ने जा रहा है। उनसे पहले संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और उनके समय के तमाम सितारे पर्दे पर विलेन बन चुके हैं। क्या सच में इमरान ने विलेन बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है? किस वजह से डायरेक्टर ने इमरान को विलेन बनने के लिए सोचा? कहानी क्या होगी? जानना चाहते हैं ये सब तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर।
रिश्ता था सलमान की बहन और अर्जुन कपूर ने। क्यों तोड़ा अर्पिता ने अर्जुन कपूर से रिश्ता, कभी बहन तो कभी भाभी, क्या ताल्लुक है अर्जुन कपूर का इन सब से? आज हम बात कर रहे हैं सलमान की बहन अर्पिता खान के बारे में। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को आज बॉलीवुड के पावरफुल कपल्स में शुमार किया जाता है। दोनों काफी वक्त में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन मलाइका से पहले अर्जुन कपूर किसी और से प्यार करती थी। वह लड़की उनका पहला और सच्चा प्यार थी, जिसके संग उन्होंने सैस जो है जीने मरने की कसमें खाई थी। अर्जुन कपूर जिस लड़की के बारे में पगले थे और जो है हमारे दिल जो जान से चाहती थी, वह थी सलमान खान की बहन अर्पिता। दोनों अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर थे। अर्जुन अर्पिता संग अपने रिश्ते का पहला प्यार कहती थी, और पहला प्यार हमेशा ही खास होता है, हर किसी को पता है ये बात तो। और अर्जुन और अर्पिता का ये खास रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अर्जुन कपूर ने जब अर्पिता को डेट करना शुरू किया था तो उस वक्त उनकी मात्र उम्र 18 साल की थी और वजन 140 किलो। सलमान तक को अर्जुन कपूर और अर्पिता के रिश्ते के बारे में पता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो अर्जुन और अर्पिता एक दूसरे से प्यार में डूबे रहते थे, शादी करने के सपने देखे थे और उनका रिश्ता टूट गया? खुद अर्जुन भी यह बात नहीं समझ पाए। सालों पहले बॉम्बे टाइम्स को एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि वह उनका एकमात्र ऐसा रिश्ता था जिसको लेकर वह बहुत ज्यादा गंभीर थे और भविष्य में सपने देख रहे थे। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वह अपने धरे के सपने धरे धरे रह गए। इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने कहा कि वह मेरा अब तक का इकलौता सीरियस रिलेशनशिप था। हमने एक दूसरे को तब डेट करना शुरू किया था जब मैं 18 साल का था, पर यह रिश्ता सिर्फ 2 साल ही चला। अर्जुन ने आगे कहा कि मैं सलमान भाई से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। मैंने प्यार क्यों किया फिल्म के दौरान हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। मैं डरा हुआ था तो सलमान भाई और उनके एक परिवार को अर्पिता और अपने बारे में फटाफट बता दिया। मैं चाहता था कि पहले उन्हें इस बारे में पता चले, और सलमान भाई शौक थे पर वे लोगों और उनके रिश्ते की इज्जत करते थे, बल्कि यह तो अर्पिता संग रिश्ते में मेरी ही साइड लेते थे। जब जब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर पतझड़ के दिन क्यों आए, जबकि सलमान और उनके परिवार को भी अर्पिता अर्जुन के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी। इस बारे में अर्जुन ने बताया कि वह उन दिनों निखिल अडवाणी की फिल्म सलामे इश्क में असिस्ट कर रहे थे। वह 2003 था और अर्जुन कपूर सोचते थे कि उनकी लाइफ सेट है, क्योंकि गर्लफ्रेंड है, काम कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं और जिंदगी एकदम सही दिशा में चल रही। लेकिन तभी ऐसा लग जाता है कि गाड़ी को ब्रेक लग गए। अर्पिता ने एक दिन अचानक ही आकर उनसे ब्रेकअप कर लिया। अर्जुन कपूर की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने कुछ समय ही नहीं लिया और आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? वह कंफ्यूज थे और सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, उनकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। अर्जुन कपूर और अर्पिता के ब्रेकअप से सलमान को भी झटका लगा। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर अर्पिता ने यूं अचानक अर्जुन से रिश्ता क्यों तोड़ा। कहा तो ये वह दोनों के साथ होने के सपने देख रहे थे, और कहा उनकी बहन अर्जुन से रिश्ता तोड़ के चली गई। हालांकि इस ब्रेकअप का असर अर्जुन ने सलमान संग अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया। अर्जुन और सलमान के साथ पहले की ही तरह हैंग आउट और पार्टियां करने लगे। ब्रेकअप के उस पड़ाव पर सलमान अर्जुन कपूर के लिए सब कुछ थे, उनके दोस्त थे, बड़े भाई थे और पिता समान उन्हें गाइड करते थे। सलमान ने ही अर्जुन कपूर को वजन घटाने और खुद को बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार करने में काफी मदद की। अब अर्पिता से ब्रेकअप के बाद अर्जुन कपूर ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया और बॉलीवुड में डेब्यू के बाद बड़े स्टार बन गए। आज वे सलमान की एक्स भाभी मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे हैं। और बहुत टाइगर जैसी मूवी की आगे की अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। दोस्तों, सलमान खान रिलीज होने वाली फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई और अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो उनकी सबसे मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी में से एक है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि सलमान खान अब मुंबई में टाइगर 3 की शूटिंग के साथ साथ राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए प्रचार भी करेंगे, मतलब कि दोनों को एक साथ मैनेज करने वाले हैं। दरअसल राधे और मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। इसका प्रमोशन अप्रैल के एंड में शुरू होना था। दूसरी ओर टाइगर 3 की शूटिंग मई के एंड तक जारी रहेगी। सलमान खान की टीम ने कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए फिल्म राधे के प्रचार के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सभी योजनाएं तैयार रखी हैं। इस दौरान सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वेल दोस्तों, देखा जाए तो सलमान खान ने उस वक्त थिएटर मालिकों के बचाव में उतरे जब उन्होंने उनके लिए अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने का फैसला किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महामारी के इस बेहद अनिश्चित समय के दौरान सिनेमा घरों में अपनी फिल्म को रिलीज करने का ये साहसी निर्णय लेने वाले सलमान खान किसी मसीहा से कम नहीं है। सलमान खान के बाद ही दूसरे कलाकारों को अपनी फिल्म को भी सिनेमा घरों में रिलीज करने का साहस मिला।
गौरतलब है कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इसके साथ ही दूसरी ओर टाइगर 3 में कैटरीना कैफ और सलमान खान के अलावा फिल्म में इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं। याद दिला दें कि इन दोनों फिल्मों के अलावा सलमान खान के खाते में कभी ईद कभी दिवाली और अंतिम फिल्म भी शुमार है। दोस्तों देखा जाए तो फिल्म की रिलीज डेट में सिर्फ 40 दिन और रह गए हैं और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट और करीब आ रही है, एक्साइटमेंट का लेवल और बढ़ता जा रहा है। वेल, आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू। आप भी इमरान हाशमी को एक बार फिर से एक दमदार विलन के रूप में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं? क्या हाशमी का हमेशा से सपना था भाईजान के साथ काम करने का, और क्या क्या कहा इमरान ने टाइगर 3 में अपने रोल को लेकर? तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो इमरान हाशमी ने कहा कि भले ही उन्हें बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करना बाकी है, लेकिन वो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में काम करना चाहते हैं। अभिनेता इमरान हाशमी के लिए टाइगर की तीसरी किस्त पर सुपरस्टार सलमान खान के साथ सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। एक्शन स्पाई फ्रेंचाइज एक सपना है। तो दोस्तों बता दूं कि टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए हाशमी को रोपित किया गया है। इसमें कैटरीना कैफ ने जासूस जोया के टाइगर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाया है। पिछले महीने फिल्म के निर्माता के करीबी सूत्रों ने PTI को बताया कि 41 वर्षीय अभिनेता यशराज फिल्म्स YRF के उत्पादन पर आ गए हैं। दोस्तों बता दूं कि हाशमी ने कहा कि भले ही उन्हें बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करना बाकी है, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज पर काम करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे मताधिकार में काम करना अच्छा लगेगा, मैं सलमान के साथ काम करना पसंद करूंगी, ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा है और उम्मीद है कि ये सच होगा, अभिनेता ने PTI को बताया था। दोस्तों बता दूं कि ये उनकी पहली YRF फिल्म भी होगी। फ्रेंचाइज में पहली फिल्म एक था टाइगर, जो कि 2012 में आई थी, जिसे कबीर खान ने निर्देशित किया था। अली अब्बास जफर ने दूसरे भाग यानी कि टाइगर जिंदा है, जो कि 2017 में आई थी, और मनीष शर्मा तीसरे किस्त का निर्देशन कर रहे हैं। तो दोस्तों बता दूं कि हाशमी अपने आने वाली फिल्म मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ चेहरे की दर्शकों की प्रतिक्रिया के लिए भी उत्साहित हैं। तो रूमी जाफरी द्वारा निर्देशित मिस्ट्री थ्रिलर 30 अप्रैल को एक नाटकीय रिलीज के लिए आधारित है। अभिनेता ने कहा कि वो बच्चन के शिल्प के प्रति समर्पण से प्रभावित हैं। ये उनके साथ एक फैन बाय क्षण था, मैंने उनके साथ काम करने का हर मजा लिया है। शिल्प के प्रति उनका समर्पण उन्हें प्रदर्शन करते हुए और एक फ्रेम में उनका होना काफी अच्छा लगता था। तो दोस्तों बता देती हूँ कि COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे की रिलीज स्थगित कर दी गई है। ये फिल्म 9 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली थी। पिछले कुछ दिनों में ये चौथी फिल्म है जिसकी रिलीज खिसकाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले राणा दग्गुबाती की हाथी मेरे साथी, राम गोपाल वर्मा की डी कंपनी और सैफ अली खान, रानी मुखर्जी की बंटी और बबली 2 की रिलीज भी स्थगित हो चुकी है। दोस्तों बता दो कि मंगलवार को चेहरे के निर्माता आनंद पंडित की ओर से जानकारी दी गई कि COVID-19 के मामलों में उछाल की वजह से फिल्म अब 9 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। चेहरे का निर्देशन रूमी जाफरी ने किया है और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें अमिताभ और इमरान के साथ कई बेहतरीन कलाकार प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे। अब फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो तो बस यहीं तक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप इस मूवी के लिए और बाकी सारी मूवीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को और हमारी मेकर्स SRPF ग्राउंड में कौन सा बड़ा शहर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? मेकर्स इस मूवी को कितने देशों में शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? कैटरीना और सलमान के पास किन देशों की स्टंट टीम है? टाइगर 3 और पठान का आपस में क्या कनेक्शन है? सलमान खान ने मुंबई में एक स्टूडियो में अपनी पॉपुलर टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता को शुरू में इस्तांबुल में फिल्म की शूटिंग के लिए जाना था,
लेकिन देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया था। एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के मेकर्स अब सलमान खान के टीना कैफ सारर FRPF ग्राउंड के एक बड़ा तुर्की शहर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा इस मूवी में कई भारी भरकम एक्शन सीन्स चाहते हैं जो तोप के टैंक और ग्रेनेड्स के साथ पूरा करते हैं। सलमान के टाइगर और कैटरीना के किरदार जोया हुमामी के रूप में इनके खिलाफ बुरे लोगों को लेना है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक सेटअप और चालू हो जाएगा। उसी पर और डिटेल करते हुए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मेकर्स कहानी को 7 देशों में शूट करने का इरादा रख रहे हैं। विकास एंड क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार स्केड्यूल पर काम कर रहे हैं। वे जून में इस्तांबुल और दुबई में जा सकते हैं। यहाँ तुर्की सेट को फिर से बनाया जा रहा है क्योंकि मेकर्स को लगता है कि वे जब भी इस्तांबुल जाते हैं तो महामारी के कारण अंदरूनी यात्रा करना मुश्किल होगा। एक न्यूज पोर्टल के अनुसार खबर आई थी कि टीम 8 मार्च को मुंबई में अपना पहला कार्यक्रम शुरू करने से पहले सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ने फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए तैयारी शुरू कर दी है और यह 14 दिन का ट्रेनिंग पीरियड रहा। पता लगा है कि कैटरीना कैफ ने एक दक्षिण कोरियाई स्टंट आर्टिस्ट को एक्शन फ्लिक के लिए तैयार किया है और जब कैटरीना के पास दक्षिण कोरिया स्टंट कलाकार हैं, तो सलमान खान के पास परफॉर्म के लिए तैयार करने गए एक दक्षिण अफ्रीकी स्टंट टीम है। हमें अब यकीन है कि यह टीम अपने एक्शन से भरपूर फ्लिक से हमारे दिमाग को उड़ाने वाली है। टाइगर टीम के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने बताया है कि इस फ्रेंचाइजी के लिए डायरेक्टर हमेशा बदल गए हैं। पहले भाग को कबीर खान ने डायरेक्ट किया जबकि दूसरे को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया। अब बात करें बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ईद के मौके पर एक बार फिर धमाल मचाने आ रहे हैं अपनी नई फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से। इस फिल्म में सलमान खान संग दिशा पटानी भी नजर आने वाली हैं। वेल सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार तो हर किसी को बेसब्री से है, लेकिन इस बीच सलमान खान ने अपनी नई फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर दी है जिसमें एक बार फिर कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे। दरअसल राधे की शूटिंग खत्म होने के बाद तुरंत सलमान ने अंतिम की शूटिंग शुरू कर दी जिसमें वो अपने बहनोई आयुष शर्मा के साथ नजर आए। इसके बाद दबंग में अपने खास दोस्त शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग कर दी। इस फिल्म में भी सलमान खान एक गेस्ट किरदार में नजर आए। पठान की शूटिंग खत्म करने के बाद अब सलमान खान ने अपने मच अवेटेड फिल्म टाइगर की अगली इंस्टॉलमेंट से शुरुआत की है। अब इमरान भी इस फिल्म में मार्च की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। सूत्रों की मानो तो यशराज एक अलग चेहरे के बतौर विलन कास्ट करना चाहती हैं। जिस तरह टाइगर जिंदा है में सज्जाद जो है को कास्ट किया गया था, लिहाजा YRF ने महसूस किया कि इमरान इस भूमिका में फिट बैठेंगे। वह इंटेंस भूमिकाओं में दमदार लगते हैं। इसका पहला स्केड्यूल यशराज फिल्म्स में ही शूट किया जाएगा जहां वो सलमान और कैटरीना के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। दूसरा शूटिंग स्केड्यूल मिडिल ईस्ट और तीसरा स्केड्यूल मुंबई में शूट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा है। चूंकि फिल्म को इंटरनेशनल स्तर पर बनाया जा रहा है, इसके एक्शन सीन्स और VFX पर भारी भरकम खर्च किया जाएगा। सलमान और कैटरीना की जोड़ी युवराज पार्टनर, मैंने प्यार क्यों किया और एक था टाइगर जैसी फिल्मों में हिट रही। इसी के साथ रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में भी सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस किया था। टाइगर फ्रेंचाइजी की इस तीसरी फिल्म में कई एक्शन सीन सलमान और कैटरीना खुद नजर आएंगे। टाइगर जिंदा है में कैटरीना कैफ के एक्शन सीन्स की बहुत तारीफ हुई थी। कोई शक नहीं है कि कैटरीना बॉलीवुड के सबसे फिट कलाकारों में जानी जाती है। टाइगर 3 के लिए फिलहाल कैटरीना किक जो है बॉक्सिंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले रही। फिल्म में एक्ट्रेस ISI एजेंट की भूमिका में नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि इस बार टाइगर 3 पहली ही सीरीज फिल्मों के मुकाबले अधिक दमदार होने वाले हैं। मीरा रिपोर्ट्स की मानो तो टाइगर 3 का शाहरुख खान की फिल्म पठान से भी खास कनेक्शन है। बताया जा रहा है कि टाइगर 3 की शुरुआत वहीं से होगी जहां पर शाहरुख खान की पठान का अंत होगा। वहीं पठान में सलमान खान को भी कैमियो होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट दर्शकों को पहली बार देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लिए सलमान पेनिवल स्थित अपने फॉर्म हाउस पर प्रॉवलिंग की कला भी सीख रहे हैं। सलमान खान और शाहरुख खान बॉलीवुड के दो बड़े सांस हैं। वे सालों से सफलता की सीढ़ी चढ़ते आ रहे हैं और टॉप पर बन गए। उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सलमान खान और शाहरुख की दोस्ती भी सालों से कायम है। इनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आए लेकिन ये अब तक के दूसरे के साथ खड़े हुए। ये दोनों स्टार्स अपने बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। शाहरुख खान जहां दीपिका पादुकोण के साथ पठान में दिखेंगे, वहीं सलमान खान टाइगर 3 में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनने आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे। इसके अलावा भी उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज है। कहा जा रहा है कि किंग खान की पठान का क्लाइमैक्स सलमान के टाइगर 3 के लिए स्टार्टिंग पार्ट होगा। इन दोनों सीक्वेंसेस को मिलाने के लिए एक ही सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों ही सास फिल्म की कास्ट नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए ये कदम उठाया गया है। आगे की बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपकमिंग बिग बजट एक्शन फिल्म टाइगर 3 के साथ दमदार एक्टर्स के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है।
सलमान खान की फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के कैरेक्टर निभाते दिखेंगे। ये सलमान खान और इमरान हाशमी की साथ में पहली फिल्म है जिसमें वो आमने सामने दिखाई देने वाले हैं। इमरान हाशमी के बाद टाइगर 3 में एक और धांसू एक्टर की एंट्री हो गई है। ये एक्टर टाइगर सीरीज की पहली भी फिल्म में नजर आ चुका है। वेल, अब आप इस बात से अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि कौन है। वेल, आपको बता दूं कि भाईजान की फिल्म में रणवीर शोरे की एंट्री हो गई है, जो कि एक था टाइगर में गोपी आर्या के कैरेक्टर में नजर आए थे। अगर दोस्तों आपको फिल्म याद होगी एक था टाइगर, तो आपने देखा होगा कि रणवीर शोरे ने सलमान खान का जमकर साथ दिया था और लेखकों ने फैसला किया कि इस बार रणवीर शोरे सबसे पहले टाइगर 3 के कुछ कॉमेडी सीन शूट करेंगे और उसके बाद दोनों एक्शन सीन्स के लिए कमर कसेंगे। टाइगर 3 में अहम किरदार निभाने वाली अदाकारा यानी कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दोनों कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। कैटरीना कैफ ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। कैटरीना कैफ ने मार्च के महीने में टाइगर 3 के कुछ सीन्स शूट किए। जब वो कोरोना वायरस को मात दे देंगी तब वो फिर से फिल्म को और स्टार कास्ट को ज्वाइन करेंगी। इन दिनों डायरेक्टर मनीष शर्मा भाईजान के सोलो सीन शूट करने में जुटे हुए हैं। वेल, देखा जाए तो सलमान खान की ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि ये फिल्म अगले साल नहीं बल्कि उसके अगले साल रिलीज होगी, क्योंकि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई नेक्स्ट ईयर ईद में रिलीज होने वाली है। वेल, कितना धमाल मचाते हैं रणवीर शोरे और टाइगर 3 सलमान खान, ये तो देखने वाली बात होगी। वेल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। खान का ईद का तोहफा, क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं सलमान अपने फैंस के लिए? क्या असर कर रहा है कोरोना वायरस सलमान की धमाकेदार मूवीज की रिलीज डेट पर? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। यह बताया गया है कि सलमान खान इस समय अपनी आगामी फिल्मों में से एक टाइगर 3 की शूटिंग के बीच में है, जो कि उनकी सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइज में से एक अगली किस्त है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई में टाइगर 3 की शूटिंग का स्केड्यूल पूरा करने और अपनी ईद रिलीज राधे के लिए प्रचार करने के बीच सुपरस्टार हर तरह से बाजी मारता हुआ होगा। राधे को 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है और इसके लिए प्रचार अप्रैल के अंत में शुरू होगा। दूसरी ओर टाइगर 3 की शूटिंग मई के अंत तक जारी हो जाएगी। सलमान खान की टीम ने फिल्म को प्रमोशन को संभालने के लिए अंतरिक्त सावधानी बरतते हुए सारी योजनाएं बना रखी है। राधे ने कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से प्लान किया जाएगा। सलमान खान थिएटर मालिकों के बचाव में तब आए जब उन्होंने उनके लिए फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया। महामारी के इस बेहद अनिश्चित समय के दौरान सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज करने का यह साहसी निर्णय लेने वाला वह किसी मसीहा से कम नहीं है। सलमान खान की ईद 2021 की रिलीज के आसपास देवनागी राधे योर मोस्ट वांटेड बाय अपार है। फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने के लिए स्लेट किया गया है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे ईद 2021 पर धकेल दिया गया है। जैसा कि महामारी एक बुरी स्थिति में है, व्यापार और प्रशंसक अपनी उंगलियों को पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो सभी के चेहरे पर खुशी लाएगा। सलमान खान, दिशा पाटनी और रणदीप हुडा स्टारर का ट्रेलर बहुत जल्द इंटरनेट पर आ सकता है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार राधे योर मोस्ट वांटेड बाय का थिएटर ट्रेलर तैयार है और इसे CBFC ने पिछले सप्ताह मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले राधे के निर्माता आपके सबसे वंचित भाई सलमान खान, सुहेल खान और अतुल अंगहोती ने प्रमाण के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड में नाटकीय थिएटर ट्रेलर प्रस्तुत किया है। पिछले हफ्ते CBFC ने ट्रेलर को बिना किसी कट के और UA सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। ट्रेलर के कुल लंबाई 2 मिनट 43 सेकंड है।
एक सूत्र को मनोरंजन पोर्टल द्वारा कहा गया है। इस बीच बॉक्स ऑफिस पर स्थिति बहुत अजीब है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों और इसके लगे बाद प्रतिबंधों को देखते हुए कई फिल्मों को स्थगित कर दिया गया है। 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली सूर्यवंशी भी रेड जोन में है और उसके बाद वह राधे है। उसी के बारे में बात करते हुए सूत्र ने वेबसाइट को बताया, यह सभी के राधे और राधे और मोस्ट वांटेड बाय के लिए प्रतीक्षा और गड़ी की स्थिति है, कोई अपवाद नहीं है। अब तक यह योजना ईद पर लाने के लिए है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है दिव्या शर्मा। कैटरीना कैफ भी हुई कोरोना का शिकार। अब तक किन किन बॉलीवुड एक्टर्स को कोरोना चपेट में ले चुका है, क्या टाइगर 3 की शूटिंग को अब झटका लग सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राम स्टूडियोज, मैं सुनीता जियाल। दोस्तों, देश भर में तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, पर कोरोना का कहर बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। अब तक ढेर सारे बॉलीवुड स्टार कोरोना का शिकार हो चुके हैं और इसमें अब कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल हो चुका है। कैटरीना ने खुद सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी कि उन्हें कोविड 19 हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैंने खुद को तुरंत आइसोलेट कर लिया है, साथ ही मैं घर के अंदर ही क्वारंटीन हूँ, मैं अपने डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल का ख्याल रख रही हूँ, मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि जो भी कोई मेरे कॉन्टैक्ट में आया हो वो तुरंत कोविड टेस्ट कराए और आप सभी के प्यार के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वहीं आपको बता दें, कैटरीना कैफ से पहले हाल ही में विकी कौशल भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। विकी कौशल और कैटरीना के लिए कहा जाता है कि वो रिलेशनशिप में हैं, हालांकि दोनों ने कभी भी अपने अफेयर की खबरों में कोई रिएक्शन नहीं दिया। और कैटरीना कैफ टाइगर 3 की शूटिंग कर रही थी, लेकिन अब टाइगर 3 के शूट पर भी रोक लग जाएगी क्योंकि कैटरीना शूट नहीं कर रही है। कैटरीना कैफ इन दिनों टाइगर 3 को लेकर बिजी चल रही थी। वो इन दिनों इस फिल्म की तैयारी में बिजी थी और इस फिल्म की खास बातें आपको पता ही है, सलमान खान एक बार फिर से धमाका मचाने को तैयार है। पठान में टाइगर के जो करेक्टर है उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही पठान जहां पर ख़त्म होगी वहीं से टाइगर 3 शुरू होगी। वहीं टाइगर एक्टर सलमान खान ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई, इसकी जानकारी सलमान खान ने खुद दी। अब तक बॉलीवुड की बात करें तो भूमि पेडनेकर, संजय लीला भंसाली, अक्षय कुमार, गोविंदा, ऋत्विक, आलिया भट्ट, परेश रावल, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, सतीश कौशिक समेत कई टीवी और बॉलीवुड एक्टर कोरोना वायरस चपेट में आ चुके हैं, जिससे लगातार बॉलीवुड में जो शूट है वो कैंसिल होते जा रहे हैं और भी डिले होता जा रहा है। 2020 में हमें बॉलीवुड से कुछ देखने को नहीं मिला और 2021 में भी यही हालात दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है टाइगर 3 का, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। क्या कहा इमरान हाशमी ने अपने टाइगर 3 के रोल को लेकर, किन किन मूवी में नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी, कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ चुका है इमरान हाशमी का नया गाना, कब होगी टाइगर 3 रिलीज। एक समय था जब इमरान हाशमी एक नियमित आधार पर ही फिल्मों बाहर मंथन करने के लिए प्रयोग किया जाता था और चुंबन के बेहताज बादशाह थे, लेकिन यह सिर्फ बोल्ड सीन नहीं था जिसने उन्हें प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने शंघाई, अजहर और द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों ने अपने अभिनय का जलवा दिखाया।
देर से अभिनेता कम फिल्में कर रहे हैं। इन दिनों वे भावपूर्ण भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसा लगता है कि उसे अपनी आस्तीन पर एक बड़ी भूमिका मिली है। और हमें सुनते हैं कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे। सलमान खान और इमरान हाशमी लॉक इन हॉर्न एक रोमांचक घड़ी होगी। निर्माताओं को शुरू से भूमिका के लिए एक नया चेहरा चाहिए था, जैसे कि उन्हें टाइगर जिंदा है में साजिद डेलॉरमाज का मिला था। फिर उन्होंने सोचा कि इमरान हाशमी सही विकल्प होंगे। यह इमरान हाशमी की पहली YRF फिल्म होगी और सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ भी उनकी पहली मुलाकात। खबरों के मुताबिक टाइगर 3 चर्चा में एक छोटे स्केड्यूल के साथ शुरू होगी और फिर यूनिट मध्य पूर्व के लिए उड़ान भरेगी। यह फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग की जाएगी। यहां तक जाता है कि सलमान खान की टाइगर की कहानी शाहरुख खान की पठान के क्लाइमैक्स शॉट से जारी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। अभिनेता इमरान हाशमी के लिए टाइगर की तीसरी किश्त पर सुपरस्टार सलमान खान के साथ सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। एक्शन स्पाई फ्रेंचाइजी एक सपना सच है। टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए हाशमी को रोपित किया गया है, जिसे कैटरीना कैफ के जासूस जोया के खान के टाइगर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाए हैं। पिछले महीने फिल्म के निर्माण के एक करीबी सूत्र ने PTI को बताया था कि 41 ईयर्स अभिनेत्री यशराज फिल्म्स के उत्पादन पर आ रही हैं। हाशमी ने कहा कि भले ही उन्हें बंदीकार रेखाओं पर हस्ताक्षर करना बाकी है, लेकिन वह ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी पर काम करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे मदाधिकार में काम करना अच्छा लगता है, मैं सलमान के साथ काम करना पसंद करूंगा। यह हमेशा एक सपना रहा है और उम्मीद ये है कि सच होगा, अभिनेता ने PTI को बताया। टाइगर 3 खान और कैफ के साथ हाशमी के साथ सहयोग की चिन्हित करेंगे। यह उनकी पहली वायर फिल्म भी होगी और फ्रेंचाइजी में पहली फिल्म एक था टाइगर 2012 में थी, जिसे कबीर खान ने निर्देशित किया था। अली अब्बास जफर ने दूसरे भाग टाइगर जिंदा है 2017 और मनीष शर्मा तीसरी किस्त का निर्देशन करेंगे। हाशमी अपनी आने वाली फिल्म मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ चेहरे के दर्शकों की प्रतिक्रिया से भी उत्साहित है। रूमी जाफरी द्वारा निर्देशित मिस्ट्री थ्रिलर 30 अप्रैल को एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित है। अभिनेता ने कहा कि वह बच्चन के शिल्प के प्रति संपर्क करने की प्रभावित थे। आगे की जानकारी के लिए पॉलीग्राफ वीडियोस देखते रहिए। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है। टाइगर 3 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ रणवीर शोरी फिर मिलेंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 के किस अभिनेता ने की इंस्टॉलमेंट फीस वापस? क्या कहा कैटरीना कैफ की नई तस्वीर पर उनके फैंस ने? स्वागत है आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे और हमारी चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक फिल्म जो पिछले काफी समय से सुर्खियों में है वो है सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3। जबकि फिल्म की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, तीसरी किस्त की शूटिंग के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है। कई बार YRF स्टूडियो में कैटरीना और सलमान को फंसाया गया है, जो फिल्म से संबंधित चर्चा में शामिल हो गया है। इसके अलावा हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टाइगर का पहला भाग एक था टाइगर का एक महत्वपूर्ण किरदार तीसरी किस्त में फ्रेंचाइज में वापस आएगा और ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर शोरी का किरदार गोपी आर्य है। अगर आपको याद हो तो पहले भाग में रणवीर उर्फ गोपी आर्य को टाइगर के हैंडलर के रूप में देखा गया था। अब मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार टाइगर 3 के निर्माताओं ने रणवीर के चरित्र को तीसरे भाग में शामिल करना सुनिश्चित किया। प्रमुख दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर 3 के आदित्य चोपड़ा और लेखक ने रणवीर को मताधिकार में वापस लाने के लिए फोन किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस पर भरोसा कर सकता था टाइगर पर भरोसा कर सकता था।
कथित तौर पर सलमान और रणवीर जल्द ही एक साथ शूटिंग शुरू करेंगे और उनका शूट जाहिर तौर पर फिल्म में एक अन्य महिला अभिनेता के साथ एक कॉमेडी सीन के साथ होगा। एक सूत्रों ने दैनिक को सूचित किया। तीसरे भाग को लिखते समय निर्माता आदित्य चोपड़ा और लेखक जयदीप सहनी ने उन्हें रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौर के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में वापस लाने का फैसला किया, जिसमें सलमान द्वारा चित्रित किया गया था। सुपरस्टार और रणवीर एक कॉमेडी फिल्म शुरू करेंगे एक महिला अभिनेता के साथ सीक्वेंस कुछ हाई ऑक्टेन दृश्यों के साथ। कटरीना ने घोषणा की कि उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा कि वो होम संगरोध के तहत थी। अब वो प्रेमी अभिनेता विकी कौशल के एक दिन बाद उसका निदान आया। उसने ये भी घोषणा की कि उसने सकारात्मक परीक्षण किया था। अपनी तस्वीरों में कटरीना ने सफेद टी शर्ट पहनी हुई है। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने टिप्पणी अनुभाग में एक दिल का इमोजी गिराया। एक प्रशंसक ने लिखा, जल्द ठीक हो जाओ, मैंने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, तुरंत अपने आप को अलग कर लिया है और घरेलू संगरोध के तहत होगा। मैं अपने डॉक्टरों की सलाह के तहत सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया है उसका तुरंत परीक्षण करने के लिए अनुरोध करना। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए कृपया सुरक्षित रहे और ध्यान रखे, कैटरीना कैफ ने कहा। तो दोस्तों, आपको ऐसे जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अभिनेता सलमान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री स्क्रीन पर क्या फिर से नजर आएगी? क्या भाई पर्दे पर फिर से रॉ एजेंट के रूप में उतरेंगे? क्या यशराज बैनर अपनी एक और हिट फिल्म के साथ लोगों के दिलों को जीत पाएंगे? हेलो और नमस्कार, बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यशराज बैनर के तहत बन रही टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म टाइगर 3 की, जिसकी इसी साल रिलीज होने की संभावना है। लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि टाइगर 3 के लिए दर्शकों को और अभी इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी दो फिल्मों की तरह टाइगर की भी एक्शन स्पाई थ्रिलर होगी। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों के बाद इस रिलीज की यह तीसरी फिल्म होगी, जिसका एक्शन और रोमांस देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2012 में आई टाइगर सीरीज की फिल्म एक था टाइगर का निर्देशन कबीर खान ने किया था। 2017 में आई इसका दूसरा भाग टाइगर जिंदा है अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित किया गया और अब टाइगर 3 का निर्देशन मनीष शर्मा कर रहे हैं। मनीष शर्मा बैन बाजा बारात और शुद्ध देशी रोमांस जैसी फिल्मों के बाद अपनी इस फिल्म से दर्शकों को कितनी वाह वाह बटोर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दर्शकों को अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अपनी फेवरेट जोड़ी फिर से देखने को मिलेगी। सलमान तो एक्शन के लिए मशहूर है ही, लेकिन टाइगर सीरीज में अभिनेता कैटरीना की खूबसूरती से साथ ही उनके एक्शन का फैंस को इंतजार है। बताया जा रहा है कि एक था टाइगर का मशहूर किरदार गोपी आर्य, जो कि रणवीर शो ने निभाया था, हमें इस फिल्म में दोबारा देखने को मिल सकता है। रणवीर खोसला का घोसला, भेजा फ्राई और सिंगिस किंग जैसी फिल्मों के लिए अपने एक अलग पहचान बना चुके हैं। इसके साथ ही एक था टाइगर में भी रणवीर शो के किरदार के लोगों ने बहुत पसंद किया। उनके फैंस के लिए खुशखबरी है कि अब वापस से उन्हें अपने फैंस के लिए रणवीर टाइगर 3 में दिखाई देंगे। मजेदार बात यह होने वाली है कि इस फिल्म में अपने विलन के किरदार को रोमांटिक किरदारों के लिए जाने जाने वाले इमरान हाशमी को देखेंगे। हाशमी का सलमान और कैटरीना के साथ ये पहला काम होगा, साथ ही यशराज बैनर के साथ भी यह उनकी पहली फिल्म होने वाली है। इमरान हाशमी को विलन के रूप में दर्शक कितना पसंद करेंगे, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म की कास्ट वाकई बहुत अनोखी है और लोगों को इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करने के लिए भी काफी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में यशराज फिल्म ने सबसे बड़ी स्पाई फ्रेंचाइजी तैयार की है और इसकी दो फिल्मों को दर्शकों का बहुत प्यार मिल चुका है।
लेकिन दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा चुकी हैं। ये देखने वाली बात होगी कि सीरीज की यह तीसरी फिल्म क्या कमाल दिखाती है। हमें पता है कि टाइगर सीरीज की फिल्म देश के बाहर भी बहुत शूट होती हैं और इस फिल्म में हमें कौन सी लोकेशन देखने को मिलेगी, आउटडोर लोकेशन को पसंद करने वाले लोगों के लिए अभी काफी एक्साइटेड होने वाला है। पहले की दो फिल्में देखकर हम ये कह सकते हैं कि सलमान भाई और कैटरीना ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए इस फिल्म की खास की कहानी के साथ दर्शकों को जोड़े रखा। टाइगर 3 की रिलीज के लिए अभी हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा यह तो नहीं पता, लेकिन अभिनेता सलमान खान के पास कभी ईद कभी दिवाली, राधे और अंतिम जैसी कई शानदार फिल्में अभी लाइन में हैं, जो दर्शकों को जल्दी। नई खबर यह है कि कैटरीना कैफ कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, जिस वजह से उन्हें घर पर ही कैद रहना पड़ेगा। अब जो है हमें इसके चहेते भाई सलमान खान अपनी नई सीरीज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के प्रमोशन में व्यस्त हैं। अगर हालात सही नहीं होते तो इस फिल्म के रिलीज को अगले साल पे ही टाला जा सकता है, ऐसे संकेत मिले हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है नहीं हुआ है। फिल्म में दुनिया की मजेदार जानकारी के लिए ऐसी ही वीडियोस के जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीग्राफ वीडियोस को। धन्यवाद, मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है के फाइनल शेड्यूल के लिए इस महीने रूस जाएंगे सलमान खान। क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें, कब ये रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग को लेकर लगातार किसी न किसी तरह की अपडेट सामने आती ही रहती है। इस समय भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। कुछ समय पहले सलमान खान की फिल्म फ्लोर पर आई थी, लेकिन अब पता चला है कि कब तक इस फिल्म का पूरा शेड्यूल कंप्लीट किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो सलमान खान इस साल जून और जुलाई में इस फिल्म की शूटिंग के लिए रशिया आएंगे और वहीं पर इस फिल्म का आखिरी शेड्यूल कंप्लीट किया जाएगा। इस खबर के सामने आने से सलमान के फैंस बेहद खुश है। उनका मानना है कि कोरोना काल में सलमान खान ने काम नहीं किया, फिल्में नहीं दी, लेकिन कोरोना काल के बाद जब सलमान खान थिएटर्स में आएगी तो आग लग जाएगी। मेकर्स ने पहले ही ये बता दिया है कि सलमान खान की टाइगर 3 काफी बड़े पैमाने में बन रही है और इसका कारण पिछली फिल्में हैं। टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर को कई देशों में शूट किया गया था और इसको फैंस ने काफी पसंद भी किया था। इस बार फिल्म को निर्देशित कर रहे मनीष शर्मा, जिन्होंने शाहरुख खान की फैन बनाई थी और इसके पहले कबीर खान और अली अबाजफर इस फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट कर चुके हैं। टाइगर 3 को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि एक था टाइगर के कलाकार रणवीर शौरी का इस फिल्म में आगमन हुआ है। बात करें राधे की तो इस साल ईद में इसे रिलीज किया जाना है 13 मई को, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए लग रहा है कि इसकी रिलीज डेट को टाल दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें अंतिम में सलमान खान अपने जीजा आयुष शर्मा के साथ धमाका करते हुए नजर आएंगे। दोनों का फर्स्ट लुक ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। टाइगर में भी इस बार सलमान के अपोजिट कैटरीना कैफ ही नजर आएंगी, लेकिन हाल ही में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से क्वारंटीन में है और फिल्म की शूटिंग भी रुक गई थी, उन्होंने हाल ही में की थी, लेकिन अब देखना होगा कि वो कब शूटिंग शेड्यूल ज्वाइन करेंगी। इससे पहले कैटरीना के रूमर बॉयफ्रेंड को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर थी। तो दोस्तों अब देखना होगा कि कब कैट और सलमान एक साथ आते हैं और शूटिंग कंप्लीट करते हैं। आपको कितना इंतज़ार है टाइगर 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। जुलाई में इंडिया से बाहर शूट करने जाएंगे सलमान खान। आखिर कहां बिजी हैं सलमान खान अपनी नई मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद। क्या बढ़ाया सलमान ने शूटिंग से ब्रेक लेकर मदद का हाथ।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर 3 की लेटेस्ट अपडेट्स में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सलमान खान अभिनीत टाइगर 3 अब तक की सबसे बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्मों में से एक है। वास्तव में फिल्म के बारे में कोई भी रिपोर्ट कई प्रशंसकों के लिए सुर्खियां बनती है, जो इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम सुनते हैं कि सलमान खान टाइगर 3 के अंतिम शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस जा रहे हैं। तो दोस्तों, टाइगर 3 के निर्माता फिल्म को पिछले 2 से भी बड़ा बनाने के लिए बाहर जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ वास्तव में विदेशी स्थानों का चयन किया है। रूस में शूटिंग के लिए सलमान और टीम उड़ जाएगी फिल्म के अंतिम शेड्यूल को शूट करने के लिए, जो कि ज्यादातर जून या जुलाई की स्थिति के आधार पर होगी। तो दोस्तों, रूस में शूट के बारे में अधिक जानकारी के लिए उनसे पूछे और वो कहते हैं, शूट के बारे में अधिक जानकारी अभी ज्ञात नहीं है। एक बार जब टीम अंतिम समय पर काम शुरू कर देती है, उसके बाद ही शूटिंग का विवरण सामने आएगा। लेकिन निश्चित रहे कि फिल्म अपने आप में एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर होगी, जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखेगी। तो दोस्तों, बता दूं कि फिल्म के लिए टाइगर 3 को मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके अलावा फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में इमरान हाशमी भी हैं। वर्तमान में निर्माणाधीन है, फिल्म को 2022 में रिलीज के लिए पढ़ा जा रहा है। हालांकि आजकल सलमान खान को कोविड-19 से जूझते लोगों के लिए खाना पहुंचाने का नेक काम करते हुए देखा गया है। मेगा स्टार सलमान खान ने सोमवार को बांद्रा में भाईजान किचन का दौरा किया, जिसमें मुंबई के फ्रंटलाइन वर्कर्स को रेस्टोरेंट द्वारा दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को देखा गया। तो दोस्तों, सलमान खान और युवा सेना के नेता राहुल कनाल ने अपनी चीनी रेस्टोरेंट भाईजान किचन के माध्यम से कोविड-19 फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। तो दोस्तों, बता दूं कि ये पहल वर्तमान में कम से कम 5,000 फ्रंटलाइन श्रमिकों को भोजन की पैकेट प्रदान करने के लिए लक्षित रही है, जिसमें पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। सलमान खान जनता की मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि भारत उपन्यास कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। रविवार यानी कि 25 अप्रैल को अभिनेता ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखा कि मुंबई में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को उचित जलपान और भोजन मिल रहा था। दोस्तों, दिल को छू लेने वाले इशारे में सलमान ने कोविड-19 संकट के दौरान श्रमिकों को खिलाने के लिए भोजन भी चखा। उसी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी हो गया है। तो दोस्तों, वैसे सूत्रों की माने तो सलमान खान का रूस दौरा कैंसिल होने के आसार बताए जा रहे हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो तो बस यहीं तक थी। बॉलीवुड से जुड़ी सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है। सलमान खान कैटरीना कैफ से कैसे हारे और फिल्म का टीजर कब आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले दिनों बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्मों को देखते हुए फिल्म मेकर्स को इतना तो पता चल गया तो आगे टाइगर 3 में सलमान और कैटरीना का रोमांस भारी पड़ेगा या उनका एक्शन? कौन सी जोड़ियां कहलाती हैं बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ियां? सलमान खान और कैटरीना को साथ देखने के लिए कितने बेकरार हैं आप? तो दोस्तों, हेलो, स्वागत है आपका बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। सलमान खान और कैटरीना की नई फिल्म टाइगर 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और भाई करे भी क्यों ना, उनकी फेवरेट जोड़ी एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रही है। दोस्तों, इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों की तरह ही टाइगर 3 भी स्पाई कंटेंट पर ही आधारित फिल्म है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की लीड जोड़ी की। अभिनेता सलमान खान और चार्मिंग अभिनेत्री कैटरीना की जोड़ी उन ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से है जिसे बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ियों में से एक माना जाता है और जब भी
इनकी फिल्म आती है तो लोग फिल्म के साथ इनकी केमिस्ट्री देखने के लिए भी बेताब हो उठते हैं। वैसे सलमान और कैटरीना की जोड़ी की बात हुई है तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सी जोड़ियां हैं बॉलीवुड की हिट और फेमस जोड़ियां। तो दोस्तों पहली जोड़ी है पर्दे के राहुल और अंजलि यानी शाहरुख और काजोल की एवरग्रीन जोड़ी। दोस्तों माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर भी जब जब साथ आए तो लोगों ने इस हसीन जोड़ी को बहुत पसंद किया। आगे बढ़ते हैं अगली जोड़ियों की तरफ जो है आमिर और जूही की चुलबुली जोड़ी, रेखा जी और अमित जी की आइकॉनिक जोड़ी, करिश्मा कपूर और गोविंदा की डांसिंग जोड़ी, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की क्यूट जोड़ी, श्रीदेवी और अनिल कपूर की सेंसेशनल जोड़ी, आलिया भट्ट और वरुण धवन की बबली जोड़ी और रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की अडोरेबल जोड़ी। ये वो जोड़ियां हैं जिन्होंने जब जब स्क्रीन शेयर किया है तब तब धमाल मचाया है और दर्शकों से खूब प्यार बटोरा है। तो दोस्तों वापस लौटते हैं सलमान और कैटरीना की हमारी ग्रेट टुगेदर जोड़ी की तरफ। हम आपको बता दें कि फैंस की इस पसंदीदा जोड़ी ने कई बार मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर युवराज, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर किया है। यही नहीं, इसके अलावा अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने सलमान भाई की हेलो और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस भी दिया है। ऐसे में हमारे सलमान भाई भी पीछे नहीं रहे हैं, इन्होंने भी कैटरीना कैफ की अजब प्रेम की गजब कहानी में एक कैमियो रोल किया था। दोस्तों अब देखना यह है कि टाइगर 3 में दर्शक फिर से इस जोड़ी पर कितना प्यार लुटाएंगे। जहां टाइगर 3 में हमें सलमान और कैटरीना का रोमांस नजर आएगा वहीं हम उनके एक्शन सीन्स की भी उम्मीद कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि दर्शकों के ऊपर फिर से इनका जादू चलेगा या नहीं। सलमान और कैटरीना की ऑन स्क्रीन जोड़ी एक्शन और रोमांस के साथ क्या कमाल दिखाती है, इसके लिए करते रहिए टाइगर 3 का इंतजार। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो पता है ना आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और साथ ही बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर है अनविता। आखिर कहाँ होने वाली है फिल्म टाइगर की थर्ड फ्रेंचाइज यानी टाइगर 3 की शूटिंग और आखिर कैसे हुई थी फिल्म टाइगर के फ्रेंचाइज की लीड एक्टर्स यानी सलमान और कैटरीना की पहली मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। दोनों कोई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं, ऐसे में फैंस को फिल्म टाइगर 3 का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर फैंस के लिए सामने आई है। सलमान कैटरीना के खिलाफ फिल्म टाइगर 3 में विलन का नाम तय हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सलमान कैटरीना को बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी टक्कर देते नजर आएंगे। सूत्र के मुताबिक इमरान को फिल्म में विलन के किरदार के लिए कास्ट कर लिया गया है। उनका शुरुआती शूट यशराज स्टूडियोज में होगा जहां पर इमरान हाशमी सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ सीन्स शूट करेंगे। इसके बाद फिल्म का दूसरा हिस्सा मिडल ईस्ट में शूट होगा और दोस्तों फिर फिल्म का आखिरी हिस्सा फिर से मुंबई में ही शूट होगा। दोस्तों बात करें सलमान और कैटरीना की जोड़ी की तो दोनों युवराज, पार्टनर, मैंने प्यार क्यों किया, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और भारत में एक साथ नजर आ चुके हैं। इसके साथ ही बॉडीगार्ड में कैटरीना का एक सॉन्ग था जबकि फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में सलमान का कैमियो था। खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर काफी पसंद की जाती है। दोस्तों बता दें कि दोनों स्टार्स ने एक साथ कई हिट फिल्में दी हैं। आइए जानते हैं कि जब ऑन स्क्रीन जोड़ी सलमान खान और कैटरीना कैफ की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। तो दोस्तों कैटरीना कैफ ने खुलासा किया था कि अलवीरा खान ने उन्हें अपने भाई सलमान खान से मिलवाया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान की पाइपलाइन में कई फिल्में हैं जिनमें राधे, यू मोस्ट वांटेड भाई और किक 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों इसके अलावा वो आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में कैमियो करेंगे। वहीं दोस्तों कैटरीना कैफ फिल्म फोन बूथ में दिखाई देंगी। कैटरीना कैफ और सलमान खान फिल्म टाइगर 3 में एक बार फिर नजर आएंगे। तो दोस्तों क्या आप भी हैं टाइगर के फ्रेंचाइजेस के फैन और कितना है आपको इस आने वाली फिल्म का इंतजार, हमें जल्दी से कमेंट। सलमान खान की टाइगर 3 और शाहरुख की पठान में क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है, टाइगर 3 में कौन सा प्रोमिनेंट कैरेक्टर कमबैक करने जा रहा है और इसके वापस आने से फिल्म में क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट लौट आएगा,
इंडियन फिल्म्स का एक्शन हर एक फिल्म के साथ लेवल अप करता जा रहा है और अब हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बॉलीवुड का एक्शन अब हॉलीवुड से बिल्कुल कम नहीं रहा। तो वहीं इस बात में भी 100% सच्चाई है कि हम आखिरकार हॉलीवुड को ही देख देख कर सीख रहे हैं और इसी का नतीजा है बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है फिल्मी क्रॉसओवर अप्रोच। क्या है ये अप्रोच और सलमान खान की मच अवेटेड टाइगर 3 कैसे बनने जा रही है इसका गवाह जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हॉलीवुड में एक बड़ी ही फेमस फ्रेंचाइजी है जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेंचाइजी अपने अंदर काफी टाइप्स ऑफ सुपर हीरो फिल्म्स बनाती है और टाइम टू टाइम इन सिनेमैटिक स्पेसेस में क्रॉसओवर्स भी करवाती रहती है, जैसे कि एवेंजर्स की दुनिया में एंट्री हो जाती है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की। अब ऐसे ही क्रॉसओवर अप्रोच बॉलीवुड भी अपनाते हुए नजर आ रहा है, जहां पहले रोहित शेट्टी ने अपना कॉप यूनिवर्स बनाया और अब यशराज फिल्म्स अपना स्पाई थ्रिलर फ्रेंचाइजी डेवलप करने के चक्कर में है। इस फ्रेंचाइजी में इंक्लूडेड है सलमान की टाइगर 3, SRK की पठान और लेटर ऑन एड ऑन होगी ऋतिक की वॉर भी। ये सभी एक्शन सुपरस्टार्स एक दूसरे की फिल्म्स में कैमियो करते हुए नजर आएंगे और ओवर द टाइम इन्हें एक परमानेंट स्पाई के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। इसी मास्टर प्लान के तहत हाल फिलहाल में शूट हो रही 2 फिल्म्स पठान और टाइगर 3 भी आती हैं। सलमान पठान के क्लाइमेक्स में एज टाइगर एक एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये रिश्ता यहीं खत्म होके नहीं रह जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जहां पर पठान का एंड होगा वहीं से शुरुआत होगी टाइगर 3 के प्लॉट की और जरूरत अनुसार SRK और ऋतिक इनमें अपने अपने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स लेकर कैमियो करने पहुंच जाएंगे। तो एज अ कैरेक्टर टाइगर की पठान में काफी ज्यादा अहमियत है, आफ्टर ऑल इसी पे तो बेस होगी टाइगर 3 की स्टोरी। अपने इसी मास्टर प्लान से YRF पठान टाइगर और वॉर को इंटरलिंक करने जा रहे हैं और श्योरली एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर यूनिवर्स को डेवलप करने के फिराक में है। टाइगर 3 की बात करें तो सलमान और कटरीना तो अपने रोल को रिप्राइज करने जा ही रहे हैं, साथ ही फर्स्ट पार्ट का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर भी थर्ड पार्ट में कमबैक करने जा रहा है। एक था टाइगर में टाइगर के हैंडलर गोपी आर्या यानी कि रणवीर शूरी बड़े स्क्रीन पे धमाकेदार री एंट्री के लिए तैयार हैं और सेम ही रोल को निभाते दिखेंगे। अब इनके वापस आने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा होगा कॉमेडी फैक्टर। सीक्वल में हमने सभी कैरेक्टर्स को सीरियस नोट पे देखा था, हालांकि कुमुद मिश्रा और परेश रावल ने थोड़ी बहुत ह्यूमर लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा। इसीलिए टाइगर 3 में रणवीर शोरी की री एंट्री होने जा रही है, जो इस ऑल दो सीरियस एक्शन मूवी को अपनी कोर की परफॉर्मेंस से एक बढ़िया ह्यूमर क्रिएट कर पाएंगे। इवन इनकी तो स्क्रीन प्रेजेंस ही एक कॉमेडी सीन से शुरू होगी और आगे बढ़ते बढ़ते ये थ्रू आउट थोड़े बहुत हंसी छोले तो देते ही रहेंगे। इस कमबैक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। आखिर कब होने वाली है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज? आखिर टाइगर 3 के साथ और कौन सी फिल्में होने वाली हैं थिएटर में क्लैश? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रिड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम सलमान खान की अगली फिल्म टाइगर 3 से जुड़े इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। जैसा कि सब जानते ही हैं कि ये फिल्म टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म होने वाली है, जिसे यशराज बैनर बहुत बड़े लेवल पर शूट कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ और रणवीर शोरी जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इस साल ईद पर यानी आने वाले कुछ ही दिनों में सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज होने वाली है। साथ ही अगले साल भी ईद पर सलमान ने फिल्म टाइगर 3 को रिलीज करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है।
दरअसल भाईजान ने कुछ दिनों पहले ही इस बात का खुलासा किया कि वो अपनी टाइगर 3 अगले साल ईद के मौके पर रिलीज करेंगे। सलमान खान अपनी एक्शन फिल्में अक्सर ईद के मौके पर ही रिलीज करते हैं, जिस कारण ट्रेड एक्सपर्ट्स टाइगर 3 से धमाकेदार कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि भाईजान की फिल्में ही अब बॉलीवुड का घाटा कम कर सकती है। दरअसल कोरोना पैंडेमिक की वजह से थिएटर्स बंद करने पड़े थे, जिसके कारण फिल्म इंडस्ट्री को काफी लॉसेस झेलने पड़े। अब ऐसे में सलमान की फिल्में इन लॉसेस से उभारने में इंडस्ट्री के लिए कितनी हेल्पफुल हो पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे सलमान खान अकेले ऐसे एक्टर नहीं है जिन्होंने अपनी फिल्म को ईद 2022 पर लाने का ऐलान किया है। उनके अलावा दो और स्टार्स हैं जो अगले साल ईद पर धमाकेदार कमाई करने का ख्वाब देख रहे हैं। इनमें से एक तो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त अजय देवगन ही है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म मेडे को ईद 2022 में रिलीज करने वाले हैं, जबकि सलमान की फिल्म टाइगर 3 भी इसी डेट पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि अजय की इस फिल्म मेडे में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। ये कंटेंट बेस्ड फिल्म होगी और फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अजय देवगन मेडे के अलावा एक और भी फिल्म है जिसमें इसी डेट पर रिलीज किया जाने वाला है। दरअसल अजय देवगन के अलावा साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR भी अपनी फिल्म को अगले साल ईद पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जूनियर NTR ने हाल ही में अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए साउथ के जाने माने डायरेक्टर शिवा के साथ हाथ मिलाया है। इनकी यह फिल्म अगले साल ईद के मौके पर पूरे भारत में रिलीज होगी। फिल्म को साउथ की अलग अलग भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी इसी डेट पर रिलीज किया जाएगा। वैसे आप अगले साल ईद के मौके पर सलमान खान, अजय देवगन और जूनियर NTR में से किसकी फिल्म देखने के लिए सबसे पहले? शूटिंग बैन होने के बाद टाइगर 3 की शूटिंग अब कहां की जाएगी? फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कब खत्म होगी और आखिर इस फिल्म में पिछली दो फिल्मों की कंपैरिजन में क्या नया होने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्दी ही एक के बाद एक नई फिल्मों को लेकर आने वाले हैं। पिछले साल पेंडेमिक की वजह से फिल्में न तो रिलीज हुई और सलमान के फैंस बस बेसब्री से राह ताक रहे थे कि सल्लू की फिल्म रिलीज हो। भले अब राधे रिलीज हो चुकी है उनकी, जिसको ज़बरदस्त फैंस का रिएक्शन मिल रहा है, और अब उनकी आने वाली जो फिल्में हों उनकी बेसब्री भी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सलमान की कई फिल्में बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और इनमें से कुछ तो रिलीज़ भी होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल राधे रिलीज़ हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के कारण अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने काफ़ी कड़े रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। उन्होंने स्टेट में शूटिंग रोकने तक के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके बीच भी सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग चर्चाओं में है। टाइगर 3 की शूटिंग को लेकर लगातार किसी न किसी तरह की अपडेट सामने अपकमिंग फिल्मों में से एक है। सुनने में आ रहा है कि सलमान खान टाइगर 3 के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग को रशिया में पूरा करने जाएंगे, और इस खबर के सामने आते ही सलमान के फैंस बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि कोरोना के बाद सलमान खान लगातार कई बड़े धमाके करने को तैयार है। टाइगर के फ्रेंचाइजी की बात करें तो इससे पहले भी दो पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और इस फिल्म में भी फिल्म की पुरानी कास्ट जो नज़र आई थी, जिसमें कैटरीना कैफ और रणवीर शौरी जैसे नजर आए। मेकर्स का कहना है कि फिल्म की स्टोरी रॉ एजेंट की ही स्टोरी को आगे लेकर जाएगी, लेकिन फिल्म
पिछले दो भागों से बिल्कुल अलग होगी। एक्शन का जो लेवल होगा वो भी अप होगा। टाइगर थ्री की बात करें तो फिल्म के निर्माता फिल्म को पिछले दो पार्ट्स के कंपैरिजन में पैमाने और बजट में बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ही चेंज होगी। तो एक बार फिर से सलमान और कैटरीना की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पिक्चर पठान और दबंग खान की पिक्चर टाइगर थ्री का क्या होने वाला है आपस में कनेक्शन? किस रोल में नजर आएंगे इमरान हाशमी सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री में? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री के बारे में। जी हाँ, आने वाले दिनों में टाइगर थ्री रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर सलमान खान के तमाम चाहने वाले बहुत एक्साइटेड होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को हमेशा से ही ऑडियंस काफी पसंद करते हुए आई है, और एक बार फिर ये बॉलीवुड की नायाब जोड़ी तैयार है धमाल मचाने के लिए टाइगर थ्री में। टाइगर थ्री से जुड़ी एक और खबर आ रही है जो मैं आपको बता दूं। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की इस अपकमिंग फिल्म में इमरान हाशमी विलन के किरदार में नजर आ सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही पता चला है कि इमरान हाशमी को टाइगर थ्री में एज अ विलन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है। वेल, इस खबर के साथ इमरान हाशमी के तमाम फैन जरूर खुश होंगे। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इमरान हाशमी एक बेहतरीन अभिनेता हैं और वो टाइगर थ्री में एज अ विलेन काफी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टाइगर थ्री रिलीज से पहले ही हिट घोषित कर दी गई है। जी हाँ, एक्चुअल में खबर ये है कि टाइगर थ्री और शाहरुख खान के फिल्म पठान का आपस में कनेक्शन होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री और शाहरुख खान की फिल्म पठान का आपस में एक दिलचस्प कनेक्शन होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले दिनों में पठान भी रिलीज होने वाली है और उस फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान एक साथ नजर आने वाले हैं। हालांकि इस फिल्म के लिए सलमान खान के तमाम फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं, और इसका रीजन है सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस अपकमिंग फिल्म पठान में, तो इसी का वाइस वर्सा भी होने वाला है। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री में शाहरुख खान का भी कैमियो हो सकता है। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पठान फिल्म का अंत जहां होगा वहां से शुरुआत होगी टाइगर थ्री की। ये इंटरेस्टिंग कैमियो आपस में क्या रूप लेती है ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों, वैसे शाहरुख खान और सलमान खान लंबे अरसे से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, अब तो इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि ये अकेले अपने दम पर अपनी पिक्चर को हिट करवा सकते हैं। इसी वजह से इन दोनों के ही फैंस इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग एक ही सेट पर होगी। वहीं दूसरी तरफ पठान का क्लाइमेक्स जब होगा, जब उसकी एंडिंग होगी, तो उसके बाद शुरुआत होगी टाइगर थ्री की। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। हालांकि आने वाले दिनों में सलमान खान की फिल्म राधे भी रिलीज होने वाली है इस ईद पर, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी सलमान खान के तमाम फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। टाइगर थ्री में कैटरीना के एक्शन को क्लास अपार्ट बनाने के लिए मेकर्स ने क्या इंतजाम किए हैं? टाइगर जिंदा है में कैटरीना के एक्शन पार्ट को किस परफेक्शन से डिजाइन किया गया था, और इंडिया में फीमेल एक्शन को बूस्ट करने में कैटरीना कैफ का कितना योगदान रहा है?
तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। टाइगर फ्रेंचाइजी के फैंस जितना सलमान खान के एक्शन को देखना पसंद करते हैं, उतनी ही बेसब्री से लीडिंग लेडी कैटरीना कैफ को भी तोड़फोड़ करते हुए देखना चाहते हैं। इस फ्रेंचाइजी में दोनों ही स्पेशल फोर्सेस के एजेंट हैं और अपनी अपनी कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्रूशियल मिशन को अंजाम देते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि फीमेल लीड को भी डिजायर्ड स्क्रीन स्पेस मिल पाए। इस मामले में टाइगर फ्रेंचाइजी से तो फैंस की कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट हमें दोनों ही सुपरस्टार्स अपने एक्शन स्किल्स को फ्लॉन्ट करते हुए दिखे हैं और इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट में इस तोड़फोड़ एक्शन के सिलसिले को मेकर्स ने एक लेवल और ऊपर ले जाने की सोची है। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कैटरीना कैफ के एक्शन एस्पेक्ट की ही बात करेंगे और जानेंगे टाइगर 3 में कैसे ये ताबड़तोड़ एक्शन के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। कैटरीना कैफ अपनी सिजलिंग डांस मूव्स और कमाल स्क्रीन प्रेजेंस से फैंस को तो कब से दीवाना बनाई हुई है, लेकिन इसी के साथ इन्होंने अपने आर्मर में एक ऐसा स्किल भी ऐड ऑन कर लिया है जो कि काफी कम एक्ट्रेसेस की बस की बात है, और वो है एक्शन सीन्स परफॉर्म करने की एबिलिटी। अपने इस स्किल पर मास्टरी लाने के लिए टाइगर 3 में इनकी हेल्प करेगा एक स्पेशल साउथ कोरियन मार्शल आर्ट क्रू। ये क्रू स्पेशलाइज्ड है स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स में, जो कि कैटरीना को किकबॉक्सिंग और कॉम्बैट स्किल सिखाएगा। टाइगर 3 के मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म का एक्शन वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, इसीलिए वो कैटरीना और सलमान दोनों को ही फिजिकली एक्शन रेडी होने के लिए इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि इसी के चलते कैटरीना कैफ का स्केड्यूल काफी चौक ब्लॉक टाइप हो गया है। अपनी फोन बूथ की शूट से फारिग होके पहले वो अपनी पर्सनल ट्रेनर यास्मीन कराची वाला से फिटनेस सेशन लेती है, फिर इसके तुरंत बाद साउथ कोरियन मार्शल आर्ट ग्रुप से स्पेशल ट्रेनिंग में हाजिर होती है। इनकी इसी डेडिकेशन और ट्रेनिंग का नतीजा जरूर ही टाइगर 3 की सक्सेस में क्रूशियल पार्ट निभाने वाला है। टाइगर के सीक्वल में भी इन्हें काफी इम्पोर्टेंट एक्शन सीक्वेंस दिए गए थे, जहां पैलेस में कॉम्बैट सीन तो बिल्कुल गूज बम्प्स देने के लिए ही डिजाइन था। अपने ग्लैम लुक से 360 डिग्री टर्न लेके जिस तरह कैटरीना डेडली फाइट में इन्वॉल्व होती हैं, ये सबसे बड़ा सरप्राइज रहा था। टाइगर जिंदा है में ये कॉम्बैट सीन समवेयर मिडल में होता है, जहां कैट का कैरेक्टर जोया टेररिस्ट हॉस्पिटल में लेडीज को छुड़वाने के लिए अपने जबरदस्त एक्शन स्किल्स दिखाती है। इस कॉम्बैट सीन में कैट अकेले ही टेररिस्ट से भिड़ती हुई दिखती है, फिर क्या 1-to-1 कॉम्बैट और क्या गन फायर, एक एक सीन में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इवन इनके और मेल टेररिस्ट के 1-to-1 फिस्ट फाइट को भी काफी कमाल तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, और इसके लिए भी कैटरीना ने रिगरस ट्रेनिंग ली थी। साथ में नूरन सिस्टर्स का सॉन्ग इस कॉम्पैक्ट सीन में डिजायर्ड इम्पैक्ट बखूबी ले आता है। जहां तक इंडियन फिल्म्स में फीमेल एक्शन की बात है, तो इसका झंडा काफी हद तक कैटरीना कैफ के हाथों में ही है, जो कि टाइगर सीरीज में अपने एक्शन कोशेंट से इसे काफी लेवल अप करती जा रही है। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी मैक्सिमम फिल्म्स में कमाल का एक्शन करके फीमेल एक्शन स्टार्स की एक नई निच ही बना दी है। बात करें टाइगर 3 में इनके एक्शन को लेकर, तो टाइगर 2 जैसा ही इम्पैक्टफुल एक्शन सीक्वेंस की काफी जरूरत रहेगी। अब देखना बाकी है कि फॉरेन से आया मार्शल आर्ट क्रू एक्शन के मामले में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाएगा इनमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। टाइगर 3 के एक्शन कोशेंट के लिए सलमान खान क्या खास तैयारी कर रहे हैं? टाइगर फ्रेंचाइजी के एक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने में किन स्टंटमैन के एफर्ट्स रहे हैं? और एक था टाइगर की शूट में सलमान खान ने बावजूद डेडली स्टंट्स परफॉर्म किए थे।
तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीक्रैश स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन फ्रेंचाइजी में यशराज फिल्म्स की टाइगर का नाम हमेशा से ही टॉप पर रहा है। इसकी हर एक फिल्म में कुछ कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस देखने को खान की खास तैयारी से एक्शन एस्पेक्ट को हम कितनी आसानी से ऑन स्क्रीन जज कर लेते हैं, लेकिन शायद उस एक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करने के पीछे कितनी मेहनत होती है उसे अपनी इस जजमेंट में कई बार नज़रअंदाज कर जाते हैं। ऐसे ही जी तोड़ मेहनत आजकल सलमान भाई भी कर रहे हैं टाइगर 3 के कैरेक्टर में ढलने के लिए। कैरेक्टर वाइज उनका लुक थोड़ा लीन में होने वाला है और भाई तो पहले से ही बिल्ट लाइक अ बुल हैं। ऐसे में इन्हें वेट श्रेड करने में काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है और साथ ही अपने टेस्ट बड्स पे थोड़ा लगाम लगा के एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ रही है। इसके साथ ही एक ऑथेंटिक रॉ ऑफिसर कैरेक्टर में ढलने के लिए नई नई टेक्निक सीखने पर ध्यान दे रहे हैं और इस बार तो टाइगर श्रॉफ वाली हरकतें भी करते नजर आएंगे। वो है आसान भाषा में कहो तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग उछल कूद। जितना देखने में ये आसान लगता है उतना ही सेहत के लिए ये हानिकारक भी साबित हो सकता है। सलमान खान ने स्पेशली प्रैक्टिस पर्पस के लिए अपने पैनविल वाले फार्म हाउस को रिहर्सल ग्राउंड में तब्दील कर लिया है। अब इस बार तो ऐसा लग रहा है कि भाई अपने पार्कर के जौहर को खुद ही दिखाते हुए नजर आएंगे और अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीन हुआ तो उसमें स्टंटमैन की तरफ रुख कर लेंगे। लेकिन टाइगर की पिछली फिल्म्स में मैक्सिमम डेविल स्टंटमैन का ही रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर जिंदा है की, जिसमें सलमान खान के स्टंट्स को निभाया था परवेज काजी ने। इन साहब ने एक्शन सीक्वेंस को ब्रेथ टेकिंग तो बना ही दिया, लेकिन साथ ही जब आप इनके फेस कट को सलमान खान से कंपेयर करो तो लगता है कि ये बिल्कुल भाई के ही हम शक्ल हैं, शायद कुंभ के मेले में बिछड़ गए होंगे। तो वहीं बात करें उस कड़ी की जहां से इस सब की शुरुआत हुई, यानी कि एक था टाइगर, ये फिल्म भी करते हुए नजर आए थे फ्रेंच स्टंटमैन जावेद अल बर्नी। ये जनाब 20 साल से मार्शल आर्ट्स और पार्कर स्टंट्स कर रहे हैं, तो बेसिकली वहां के टाइगर श्रॉफ ही हो गए ये। सलमान खान का फर्स्ट पार्ट में तो स्टंटमैन यूज़ करना बनता ही था क्योंकि वो खुद एक काफ़ी डेंजरस मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे थे। शूट के दौरान ही उन्हें एक पार्शियल फेशियल नर्व डिसऑर्डर हो गया, जिसके ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया कि आज के बाद नो स्टंट। पर सल्लू भाई ठहरे रियल लाइफ सुल्तान। डेडली डिफ़िकल्टी के बावजूद भी पहुँच गए एक्शन सेट्स पे और एक आध पार्कर जंप्स तो खुद भी मार ही ली उन्होंने। तो वहीं लगभग 8-9 साल बाद भी भाई को पार्कर स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है, जिसे परफेक्ट ट्रेनिंग लेकर ये दोनों हाथों से लपकना चाह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पॉलीक्रैश जंगल में शेर को घूमते हुए देखा है? क्या आपने शेर की तहाट सुनी है? शेर को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन क्या कोई जानवर जंगल के राजा को भी टक्कर दे सकता है? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। जी हाँ, एक जानवर है जो शेर को टक्कर दे सकता है और वो है बाघ यानी टाइगर। टाइगर एक ऐसा जानवर है जिसे शेर भी दूरी बनाए रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ के टाइगर यानी कि सलमान खान की। 2012 में एक टाइगर से शुरुआत हुई इस रियल लाइफ टाइगर की जर्नी को
2022 में टाइगर 3 के साथ अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचा जाएगा। हिट पे हिट मूवीज दे रहे सलमान के फिल्मी करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज है टाइगर। यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस टाइगर सीरीज का आखिरी पार्ट यानी कि टाइगर 3 मूवी की शूटिंग 11 मार्च 2021 से यशराज स्टूडियोज में स्टार्ट हो चुकी है। मनीष शर्मा द्वारा डायरेक्टेड यह टाइगर सीरीज का पहला पार्ट है। इससे पहले 2012 में बनी एक द टाइगर को कबीर खान और 2017 में टाइगर जिंदा है को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था। मनीष के बारे में बताएं तो वो रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा स्टारर बैंड बाजा बारात के डायरेक्शन के कारण बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए फिल्म मेकर अवार्ड जीत चुके हैं। 2015 में रिलीज हुई फिल्म दम लगा के हायशा जैसे सुपरहिट फिल्म को मनीष प्रोड्यूस कर चुके हैं। बैंड बाजा बारात के अलावा उनके डायरेक्शन में बनी अन्य फिल्में अवरेज ही नहीं है। टाइगर 3 मनीष के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं टाइगर 3 से जुड़ी कुछ फैक्ट के बारे में। टाइगर सीरीज के पहले के पार्ट की तरह इस पार्ट में भी सलमान अविनाश और कटरीना जोया का किरदार निभा रही है। अविनाश एक इंडियन स्पाई रहते हैं, वही जोया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट रहती है। टाइगर सीरीज का सलमान खान और कटरीना कैफ के अलावा अलग अलग पार्ट में परेश रावल, गिरीश कर्नाड, रणवीर शौरी और कुमुद मिश्रा जैसे सुलझे हुए कलाकार भी हिस्सा रह चुके हैं। और टाइगर 3 की बात करें तो इस फिल्म में अभी के जानकारी के हिसाब से इमरान हाशमी न्यू एडिशन है। सलमान के साथ यह इमरान की पहली फिल्म है। फिलहाल क्राइम थ्रिलर फिल्म मुंबई सागा में जॉन अब्राहम के साथ नजर आ रहे इमरान टाइगर 3 में विलन के रोल में नजर आएंगे। इससे पहले रेस 3 में इमरान सलमान के साथ दिखेंगे, इस बात की अटकलें तेज थी, पर जैसे कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। रेस 3 नहीं तो टाइगर 3 ही सही। इमरान के लिए एक्टिंग करियर को बूस्ट दे सकती है टाइगर 3। और जी हाँ, अगर इमरान अपने रोल को अच्छी तरह से निभाते हैं तो आप बिल्कुल ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको इमरान काफी सारी बिग बजट फिल्मों में भी एक्टिंग करते हुए दिख जाएंगे। टाइगर 3 वैसे तो 29 अप्रैल 2022 को ईद के मौके पर रिलीज होगी ऐसा माना जा रहा है, पर इस मूवी को लेकर बज अभी से नहीं है। आप में से कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम तो बता दे, टाइगर 3 से पहले 2021 में ईद के मौके पर रिलीज हो रही प्रभुदेवा द्वारा डायरेक्टेड राधे योर मोस्ट वांटेड बाय और अपने साले साहब आयुष शर्मा के साथ महेश मांजकर द्वारा डायरेक्टेड अंतिम द फाइनल थ्रेट में भी नजर आएंगे सलमान खान। इसके अलावा कटरीना कैफ भी टाइगर 3 से पहले अक्षय कुमार के साथ रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में नजर आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर सीरीज की पॉपुलैरिटी क्या है। अब टाइगर 3 में लुक्स की बात करें तो सलमान तो अपने ही स्ट्रॉन्ग अंदाज में नजर आएंगे। कटरीना की बात करें तो उन्होंने फिल्म में कुछ पार्ट्स की शूटिंग के लिए अपने हेयर स्टाइल में बदलाव किया है। उन्होंने कुछ नए हेयर स्टाइल के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी। कटरीना को भी टाइगर 3 में दमदार एक्शन करते हुए देखा जाएगा ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए 14 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है। अब टाइगर 3 में अपने अराउंड फैले हुए बज को कितना उचित साबित करती है यह तो देखना दिलचस्प रहेगा। और तब तक के लिए आप यह बिल्कुल मान सकते हैं कि इस मूवी की रिलेटेड जानकारी के लिए आपके इंतजार को हम इंतहा नहीं बनाने देंगे और टाइगर 3 से जुड़े सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर। एक जितना कमजोर होगा
दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। क्या न्यू ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएगा देश के 300 करोड़ क्लब की फिल्म का अगला भाग? किस अवतार में नजर आएंगे भाईजान? क्या फिर एक्शन करती दिखाई देंगी कैटरीना? कहां कहां शूट किए जाएंगे इसके एक्शन सीक्वेंस और क्या होगा इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का बजट? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। अगर हम बॉलीवुड की सबसे बड़ी और हिट एक्शन फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर सीरीज सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। जहां 2012 में रिलीज हुई एक द टाइगर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो वही 2017 में आई टाइगर जिंदा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। अब फैंस को बेसब्री से इंतजार है तो इसके पार्ट 3 का, लेकिन अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है कि शानदार सक्सेस के बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फ्रेंचाइजी के मेकर इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म की शूटिंग अगले हफ्ते 8 मार्च से मुंबई में शुरू होने वाली है और ये फिल्म अगले साल यानी 2022 में थिएटर्स में उतरेगी। दर्शकों को इस फिल्म में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो उन्होंने टाइगर 1 और टाइगर 2 में नहीं देखा होगा। आइए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़ी और एक्साइटमेंट एलिमेंट के बारे में। टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट टाइगर 3 एक बार फिर से यशराज बैनर के तले बनने जा रही है, जहां एक था टाइगर को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने और टाइगर जिंदा है को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने, तो वहीं इस बार टाइगर 3 को डायरेक्ट करने वाले हैं मनीष शर्मा। इस फिल्म में एक बार फिर हमें टाइगर और जोया यानी सलमान और कैटरीना की फेमस जोड़ी एक ही प्रेम में नजर आने वाले हैं। ये सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक साथ सातवीं फिल्म होने वाली है। बॉलीवुड की इस सुपरहिट जोड़ी ने हमें अब तक कई शानदार फिल्में दी और हम हर सलमान कैटरीना फैन की तरह टाइगर 3 के लिए सुपर एक्साइटेड है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इसी तीसरी फिल्म में हर बार की तरह जहां सलमान खान इंडियन रो एजेंट टाइगर के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, तो वही कैटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट जोया का रोल प्ले करती नजर आएंगी। इस फिल्म से जुड़ी जो सबसे दिलचस्प बात है वो इसके विलन की। इस फिल्म के विलन के बारे में अब तक बहुत कुछ कहा गया है और सभी यही जानना चाहते हैं कि इस बार विलन का रोल कौन प्ले करने वाला है। तो हम आपको बता दें कि टाइगर 3 के मेन विलन का रोल और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर इमरान हाशमी प्ले करने वाले हैं। इसलिए और भी ज्यादा ऐसी ही खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। मेकर्स SRPF ग्राउंड में कौन सा बड़ा शहर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? मेकर्स इस मूवी को कितने देशों में शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? कैटरीना और सलमान के पास किन देशों की स्टंट टीम है? टाइगर 3 और पठान का आपस में क्या कनेक्शन है? सलमान खान ने मुंबई में एक स्टूडियो से में अपनी पॉपुलर टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता को शुरू में इस्तांबुल में फिल्म की शूटिंग के लिए जाना था, लेकिन देश में बढ़ते COVID-19 मामलों के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया था। एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के मेकर्स अब सलमान खान के टीना कैफ सारर FRPF ग्राउंड के एक बड़ा तुर्की शहर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा इस मूवी में कई भारी भरकम एक्शन सीन्स चाहते हैं जो तोप के टैंक और ग्रेनेड्स के साथ पूरा करते हैं। सलमान के टाइगर और कैटरीना के किरदार जोया हुमामी के रूप में इनके खिलाफ बुरे लोगों को लेना है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक सेटअप और चालू हो जाएगा। उसी पर और डिटेल करते हुए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मेकर्स कहानी को 7 देशों में शूट करने का इरादा रख रहे हैं। विकास एंड क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार स्केड्यूल पर काम कर रहे हैं। वे जून में इस्तांबुल और दुबई में जा सकते हैं। यहाँ तुर्की सेट को फिर से बनाया जा रहा है क्योंकि मेकर्स को लगता है कि वे जब भी इस्तांबुल जाते हैं तो महामारी के कारण अंदरूनी यात्रा करना मुश्किल होगा। एक न्यूज पोर्टल के अनुसार खबर आई थी कि टीम 8 मार्च को मुंबई में अपना पहला कार्यक्रम शुरू करने से पहले सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ने फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए तैयारी शुरू कर दी है और यह 14 दिन का ट्रेनिंग पीरियड रहा। पता लगा है कि कैटरीना कैफ ने एक दक्षिण कोरियाई स्टंट आर्टिस्ट को एक्शन फ्लिक के लिए तैयार किया है और जब कैटरीना के पास दक्षिण कोरियाई स्टंट कलाकार हैं तो सलमान खान के पास परफॉर्म के लिए तैयार करने गए एक दक्षिण अफ्रीकी स्टंट टीम है। हमें अब यकीन है कि यह टीम अपने एक्शन से भरपूर फ्लिक से हमारे दिमाग को उड़ाने वाली है।
टाइगर 3 के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने बताया है कि इस फ्रेंचाइजी के लिए डायरेक्टर हमेशा बदल गए हैं। पहले भाग को कबीर खान ने डायरेक्ट किया जबकि दूसरे को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया। अब बात करें बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ईद के मौके पर एक बार फिर धमाल मचाने आ रहे हैं अपनी नई फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से। इस फिल्म में सलमान खान संग दिशा पटानी भी नजर आने वाली है। वे सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार तो हर किसी को बेसब्री से है। लेकिन इस बीच सलमान खान ने अपनी नई फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर दी है जिसमें एक बार फिर कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे। दरअसल राधे की शूटिंग खत्म होने के बाद तुरंत सलमान ने अंतिम की शूटिंग शुरू कर दी जिसमें वो अपने बहनोई आयुष शर्मा के साथ नजर आए। इसके बाद दबंग में अपने खास दोस्त शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग कर दी। इस फिल्म में भी सलमान खान एक गेस्ट किरदार में नजर आए। पठान की शूटिंग खत्म करने के बाद अब सलमान खान ने अपने मच अवेटेड फिल्म टाइगर की अगली इंस्टॉलमेंट से शुरुआत की है। अब इमरान भी इस फिल्म में मार्च की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। सूत्रों की मानो तो यशराज एक अलग चेहरे के बतौर विलन कास्ट करना चाहती हैं। जिस तरह टाइगर जिंदा है में सज्जाद जो है को कास्ट किया गया था, लिहाजा YRF ने महसूस किया कि इमरान इस भूमिका में फिट बैठेंगे। वह इंटेंस भूमिकाओं में दमदार लगते हैं। इसका पहला स्केड्यूल यशराज फिल्म्स में ही शूट किया जाएगा जहां वो सलमान और कटरीना के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। दूसरा शूटिंग स्केड्यूल मिडिल ईस्ट और तीसरा स्केड्यूल मुंबई में शूट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा है। चूंकि फिल्म को इंटरनेशनल स्तर पर बनाया जा रहा है इसके एक्शन सीन्स और VFX पर भारी भरकम खर्च किया जाएगा। सलमान और कैटरीना की जोड़ी युवराज पार्टनर मैंने प्यार क्यों किया और एक था टाइगर जैसी फिल्मों में हिट रही। इसी के साथ रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में भी सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस किया था। टाइगर फ्रेंचाइजी की इस तीसरी फिल्म में कई एक्शन सीन सलमान और कैटरीना खुद नजर आएंगे। टाइगर जिंदा है में कैटरीना कैफ के एक्शन सीन्स की बहुत तारीफ हुई थी। कोई शक नहीं है कि कैटरीना बॉलीवुड के सबसे फिट कलाकारों में जानी जाती। टाइगर 3 के लिए फिलहाल कैटरीना किक जो है बॉक्सिंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले रही। फिल्म में एक्ट्रेस ISI एजेंट की भूमिका में नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि इस बार टाइगर 3 पहले ही सीरीज फिल्मों के मुकाबले अधिक दमदार होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो टाइगर 3 का शाहरुख खान की फिल्म पठान से भी खास कनेक्शन है। बताया जा रहा है कि टाइगर 3 की शुरुआत वहीं से होगी जहां पर शाहरुख खान की पठान का अंत होगा। वहीं पठान में सलमान खान को भी कैमियो होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट दर्शकों को पहली बार देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लिए सलमान पेनिवल स्थित अपने फॉर्म हाउस पर प्रॉवलिंग की कला भी सीख रहे हैं। सलमान खान और शाहरुख खान बॉलीवुड के दो बड़े सांस हैं। वे सालों से सफलता की सीढ़ी चढ़ते आ रहे हैं और टॉप पर बन गए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सलमान खान और शाहरुख की दोस्ती भी सालों से कायम है। इनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आए लेकिन ये अब तक के दूसरे के साथ खड़े हुए। ये दोनों स्टार्स अपने बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। शाहरुख खान जहां दीपिका पादुकोण के साथ पठान में दिखेंगे वहीं सलमान खान टाइगर 3 में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनने आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे। इसके अलावा भी उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज है। कहा जा रहा है कि किंग खान की पठान का क्लाइमैक्स सलमान के टाइगर 3 के लिए स्टार्टिंग पार्ट होगा। इन दोनों सीक्वेंसेस को मिलाने के लिए एक ही सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों ही सास फिल्म की कास्ट नहीं बढ़ाना चाहते इसलिए ये कदम उठाया गया है। आगे की जानकारी के लिए बॉलीग्राफ वीडियोस को सब्सक्राइब करिए।